बिहार में छठ पूजा को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। राजधानी पटना में गंगा किनारे घाटों को साफ किया जा रहा है। पटना जिला प्रशासन ने पटना सिटी सब डिवीजन के 14 घाटों को खतरनाक घोषित कर दिया गया है। जिन घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है उसमें खांजेकाला, केशवराय, मिर्चाई, अदरक, भड़ेरिया, पिरंदमई, नंदगोला, नूरुद्दीनगंज, महावीर, शिवनया, पंच मुखर्जी चौराहा और नया मंदिर घाट शामिल है। इसके अलावा फतुहा के त्रिवेणी, कटैया और सिरिया घाट को भी खतरनाक घोषित कर दिया गया है। सूर्य को पहला अर्घ 26 अक्टूबर को दिया जाएगा। पटना के जिला अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि फिलहाल गंगा के घाटों के एक्सपोज पथ को बनाने का काम चल रहा है। सभी घाटों पर 80% काम पूरा हो गया है। 3 दिनों में सफाई और रोशनी की व्यवस्था पूरी कर ली जाएगी। डीएम ने कहा है कि व्रतियों को कोई कष्ट नहीं हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। महेंद्र कलेक्ट्रेट और बस हाट के एक खास जुड़े जाने के कारण इस क्षेत्र में गंगा तट पर एक जोन बनाया गया है। इस जोन तक पहुंचने के लिए 6 संपर्क पथों का निर्माण कराया गया है। 2 पथों पर लोग सिर्फ पैदल चल सकेंगे। शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। डीएम ने बताया कि छठ के मौके पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी छठ घाटों और तालाब पोखरों जहां छठ पर्व मनाया जाता है वहां गोताखोरों की तैनाती की जाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से प्रियंका राज की रिपोर्ट।